हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए महाराज, परंतु जब पुत्र विवाह करके आ जाता है तब घर में कलेश बन जाता है, कलेश होने लगता है। सामंजस्य बनाना चाहिए, सामंजस्य बना के रहना चाहिए, तब जाके घर परिवार चल पाएगा। आज आए दिन हम समाचार में कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का समाचार सुनते हैं, क्यों नहीं हम सामंजस्य मना पाते। जब हम जो अवगुण हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के प्रति करना बंद कर दो, सदा सर्वदा कल्याण होने लगे। इसी प्रकार यशोदा मैया कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान साक्षात है। एक दिन मैया का घर के कामों में व्यस्त हो गई और बलुआ और कलुआ आंगन में खेलते खेलते गौशाला में प्रवेश कर गए और वहां मट्टी और गाय का गोबर पड़ा हुआ था। अब तो भगवान गोबर में क्रीड़ा करने लगे, मिट्टी में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। अरे खेलना तो ठीक था, उसको खाने भी लगे भगवान। और जो ही ये दृश्य देखा यशोदा मैया ने भागते भागते आई और कहने लगी, क्यों रे कन्हुआ, पिछले जन्म को सुगर है का तू? भगवान मनी मन कहने लगे, वाह माता जी, आपके अलावा हमें कौन पहचान सकता है, मैं पूर्व जन्म का सुगर ही तो हूं। जब भगवान ने ऐसा कहा, मनी मन सोचा, तो मुस्कुराने लगे। और जब जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, मैया का पूरा क्रोध शांत हो जाता है। पुनः मैया ने उनको स्नान कराया दोनों को और बढ़िया मोटा मोटा काजल लगा के तैयार कर दिया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घर में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन सभी गोपियों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने चोरी की योजना बनाई, और चोरी ऐसी वैसी नहीं, साक्षात माखन चोरी। माखन चोरी की योजना बनने लगी और जैसे ही योजना बनाई, श्री दामा, मधुमंगल, सारे मित्रों को बुलाया और योजना करने लगे, कहने लगे कि चोरी करेंगे। बोले कन्हैया भैया कैसी बातें करे तू, चोरी करवाएगा हमसे? अरे खूब मार पड़ेगी हमें। बोले तो कोई धन की चोरी थोड़ी ना कर रहे हम, तो माखन चोरी करेंगे दूध दही की। तो बोले ठीक है, तब तुम जैसे, अब तुम मान ही नहीं रहे तो क्या कर, पर पकड़े गए तो बहुत कुटेंगे। बोले तब की तब देखी जाएगी, पर बोले चोरी से पहले अपने अपने घर में अभ्यास करो चोरी को। तो सब कहने लगे ठीक है। तो सबको समय दे दिया, दो तीन दिन अपने घर पे ही प्रयास करो और फिर आके मिलो, कौन सफल भया कौन विफल भया, किसमें क्या कमी रही। और भगवान ने इस प्रकार बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल नाम के चोरी की मंडली बनाई और उसके अध्यक्ष स्वयं बन गए, उपाध्यक्ष सुदामा जी, उपाध्यक्ष बलराम जी को बना दिया और बाकी सबको सचिव इत्यादि बना दिया। अब तो चोरी की तैयारी करने लगे। और भगवान एक दिन अपने घर में चोरी कर रहे थे, तो चोरी कर रहे थे, मटके दो माखन के मटके भरे हुए थे। भगवान ने उसके अंदर एक में अपना एक हाथ और एक में अपना दूसरा हाथ फंसा लिया। अब मुट्ठी बांध ली तो भगवान का हाथ निकले नहीं, पतले मुंह का बर्तन था।
अब जो ये दृश्य माता जी ने देखा, यशोदा जी ने, तो पूछने लगी, क्यों कन्हुआ ये क्या कर रहा है? तो बोले, मैया तूने ये सोने के कड़े पहनाए हैं ना, ये जो तूने सोने के कड़े पहनाए हैं ये बहुत गर्म हो जाते हैं और मेरे हाथ जलने लगते हैं, इसलिए मैं इस ठंडे ठंडे माखन दही में डाल के अपने हाथों को शीतल कर रहा हूं। और मैया बात मान गई, और जैसी बात मानी तो भगवान तो वहां तो खिसक लिए। दूसरे दिन फिर प्रयास किया भगवान ने खिड़की बंद कर दो यार, प्रयास किया और क्या, आज मैया ने छीके पे ऊपर मटकी लटका रखी थी, तो भगवान दरवाजे का सहारा लेते हुए चढ़ गए, चढ़ तो गए पर उतर नहीं पाए। तब तो भगवान ने झूठ कह दिया कि माता जी मुझे भूख लगी थी, मैंने आपको बहुत आवाज दी परंतु आप आई नहीं, तो हम ही इसको उतारने लगे। अब ऐसा ऐसा अभ्यास भगवान घर में कर रहे हैं। एक दिन हो गई, दो दिन हो गई, तीसरे दिन सब मिले और सबसे पूछा, अच्छा बताओ सबने प्रयास किया? बोले, महाराज ऐसे लट घले हमारे में, क्या बताएं, मैया ने हड्डी नहीं तोड़ी, बाकी सारे कर्म कर दिए। और जो ही जे सुनी तो बोले, तुम तो दम नहीं तुम में। दूसरे से पूछी, बोले, महाराज सफल तो भय लेकिन बहुत ज्यादा रिक्स था घर में, दूसरे के घर में तो और ज्यादा हो। बोले, चिंता मत करो सब संभाल लेंगे। और सबने बढ़िया सबने तैयारी करी और एक गोपी के घर में जाने का प्रयास किया। और महाराज जो ही जाने का प्रयास किया है ना, तो क्या देखा कि गोपी पनघट पे पानी भरने गई, घर का दरवाजा बंद कर गई परंतु छज्जा खिड़की खुली छोड़ गई। और जैसे ही खिड़की खुली छोड़ गई ना महाराज, वैसे ही सारे ग्वाले एक एक करके प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही प्रविष्ट हुए ना, वैसे ही भगवान ढूंढने लगे कि माखन की मटकी कहाँ है। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई दरवाजे के पीछे, और कोई उनकी अलमारियों में देख रहा है, कोई कोठी खोल के देख रहा है कि माखन कहाँ छुपा के रखा है। और बड़ा सुंदर भाव है, भगवान ढूंढ रहे हैं। तो बिल्ली के डर से छीके में घंटी बांध रखी थी, और छीके में जब घंटी बांध रखी थी तब क्या हुआ प्रभु, कि भगवान ने घंटी से बोला, देख तू बजना मत, अगर तू बजी तो हम सब पकड़ा जाएंगे। बोले, हाओ ठीक है, नहीं बजूंगी। तो सबसे पहले बलदाव जी को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। तो एक एक करके सबको भगवान ने माखन खिलाया मटकी में से, परंतु जैसे ही बारी भगवान की आई, एक ग्वाले को छींक आई और सब लद्द पद्द होके महुआ जैसे टपक रहे थे, महुआ टपकता है ना ऐसे, महुआ जैसे लद्द पर टपक रहे थे, और टपकते टपकते भगवान कृष्ण छीके से ही लटक गए। और घंटी भी बज गई, अब तो सब भागने लगे इधर उधर। और जैसे ही भागने लगे, भगवान ने मटकी ऊपर से पकड़ी, नीचे कूदे, मटकी फूटी और सब माखन खाने लगे। अरे खा क्या रहे हैं, होली सी खेल रहे हैं,
किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को बहुत सारा मिल गया, ऐसा दृश्य देख लिया। अब जैसे ही गोपी घर में प्रवेश किया, अब तो महाराज सब इधर उधर छिपने लगे, परंतु किसी को छुपने की जगह नहीं मिली। और जब नहीं मिली तब भागने लगे। अब गोपी भी बिचारी एक थी, कितनों को पकड़ती, पर योग से भगवान पकड़ में आ गए। भगवान तो सबका मनोरथ सिद्ध करने आए हैं। अब जैसे ही गोपी ने पकड़ लिया, बोले दारी के तो इना छोड़ूंगी, आज तो ते मैया के पास ही ले जाके पिटवाऊंगी। और गोपी ने पकड़ लिया और ले जाने लगे।